वालेकुम मोहम्मद अजर सदीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खदमत है बहुत से सवाल आपके आए हैं जजेस की तैनाती के हवाले से 2014 में मैंने बाकायदा पेश हुआ था कमेटी के सामने और मैंने क्या क्या सुजेशन दी थी बड़े अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ मैं ये तफसीली बात करूँगा अगले प्रोग्राम में अभी जो ज़रूरत है वो है अगला हफ़्ता जमानतों का हफ़्ता यानि कई दरख्वास्तें जो हैं ज़मानतों की वो लाहौर हाईकोर्ट में समात के लिए मुकर्र हैं सबसे पहली जो मैं आपके सामने रख देता हूँ सत्ताईस अप्रैल के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ की ज़मानत है डिवीज़न बेंच आपको पता है डिवीजनल बेंच सुन रहा है जस्टिस आलिया लिनम और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ की है। और अट्ठाईस तारीख को कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत है राना सनाउल्ला ने नोटसेस चैलेंज किए हैं मैं तफसील अभी बताता हूँ आपको नैब के एक पेशी के बाद पेश नहीं हुई वो तफसील बताता हूँ आपको वो भी सत्ताईस के लिए लगी है और अट्ठाईस को मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा लेकिन अट्ठाईस को मरीम नवाज़ की जो नैब ने दरख्वास्त वापस लेने की मनसूखी की बात नहीं है मनसूखी तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुई है वो यहाँ चैलेंज की है वो मैं अर्ज़ करता हूँ सबसे पहले आपके सामने राना सनाउल्ला का मामला रखते हैं राना सना ने जो नोटिस कॉल आप नोटसज़ हैं जो अब एसेट बीड मीन अपनी औक़ात से ज़्यादा जो असासे रखते हैं उसकी इंक्वायरी कर रहा है आपको पता है ये 2020 में गालबन मार्च में ये दायर की थी आ, बेल और ये बेल लग नहीं सकी कई वजूहत थी कोविड थी या जो भी हालात थे बहरा लग नहीं सकी थी और 5 अप्रैल को इनकी ज़मानत हो गई थी लाहौर हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच पर मुश्तम तो जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और एस जावेद गुराल साहब ने अब सत्ताईस अप्रैल को उन्होंने वो नोटिस यानी एक नोटिस जारी हुआ तो पेश हुए दूसरे नोटिस पे ये पेश ही नहीं हुए और लाहौर हाईकोर्ट में आ गए और उनका जो कहना है कि ए एन एफ बी उसी असासों के बारे में इंक्वायरी कर रही है और नयाब भी इंक्वायरी कर रही है तो एक चल रही एक मनशियात फरोशी के हवाले से और आमदन से जो मनियात जो आमदन से ज्यादा असासों में ज़मानत दी है वो भी बेस यही बनाया है हालाँकि वो एरोनियस जजमेंट है मैं, मैंने बार बार मैं बताता चलूँगा आपको मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ राणा सनावला के असासे पहले के बने हुए हैं और उसमें एक चीज़ और आपके सामने रख दें कि उनकी नाहली के हवाले से भी एक दरख्वात दायर हुई हुई है फरवरी 2021 में लाहौर हाईकोर्ट में वो भी मैं तफसील से बताता हूँ लेकिन अभी चौके बाद आपसे ये हो रही है इस कॉन्टेक्स में वहाँ ज़िक्र किया नैब के आठ सफों का ऑर्डर है आठ सफों के ऑर्डर में जिक्र किया हुआ है कि ये सोलह ए के तहत ट्रांसफ़र हो जाने थे असासे जो सीज़ किए हैं नैब ने एंटी और फोर्स ने और वो यही असासे हैं वो मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में फिर मैं क्लियर कर देता हूँ ड्रग मनशियात दो हज़ार उन्नीस में असासे जितने भी हैं वो सारे पहले के हैं कब के हैं पहले के असासें हैं और मनशियात अगर आज बेची है तो वो जो पीछे पैसे कमाए हैं यानी ये तो अभी इस्टेब्लिश होना है कि वो पैसे मनशियात से है मनशियात तो अभी कोई चीज़ सामने नहीं है क्योंकि तो पीछे पर्चा तो है नहीं पर्चा आज से दर्ज हुआ है और बुनियादी तौर पर सीज करने का कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर नहीं हो सका इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जजमेंट एरोनियस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो राना सनाउल्ला की जमानत वापस हो जाएगी कैंसल हो जाएगी और यहाँ जो जिक्र किया हुआ है मैंने फिर मैं मिसाल दे देता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर मैं टैक्स देता हूँ वकालत से और मैं साथ अगर डकैती भी करता हूँ मैं अगर स्मगलिंग भी करता हूँ मैं अगर मनशियात भी बेचता हूँ करप्शन भी करता हूँ और मैं पैसे डिक्लेर कर दूँ इनकम टैक्स के अंदर तो क्या मेरे वो जुर्म ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कानून बड़ा क्लियर है इसके अंदर आपकी सिविल अवेलिटी है जो आमदन आप डिक्लेर कर रहे हैं जायज तो नाजायज आमदना है उस पर टैक्स दे देंगे तो वो आपकी वो जायज आमदनी हो जाएगी याद रखिएगा ये मैं क्लियर कर दूं यानी इन टैक्स में बात कर रहा हूं और आपके सामने मौजूद है क्लैरिटी आपके सामने रख दी है चीजें सारी आपके सामने रख दी हैं अगली जो बुरी खबर है अब राना सनाउल्ला के लिए अब एक तो आपको पता है सारे अहसासों की डिटेल जो दो जो ज़मानत हुई है पाँच अप्रैल को उसमें सारे असासे आ चुके हैं उनमें उनके दस से ज़्यादा दुकानें हैं दफातर है जायदें हैं प्लाजाज हैं फॉर्म हाउस जो बेचे यानी ख़रीदे सस्ते और फ़ॉर ही बेच दिए महंगे वो सारी तफसीत पर डिफ़ेंस हाउसिंग अथॉरिटी में उनके नाम और उन मिसेज़ के नाम ये सारे वो असासे हैं ये जो मुदई है जिसने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास दायर की है फॉर डिसकॉलीफाइंग कोवरेंटों की पटिशन हम इसे कहते हैं कि जब जब आप असास्े में मिस डेक्लेशन करें तो आर्टिकल सिक्स टू वन एफ़ साथ किसी अदालत ने डिक्लेयर करना होता है कि वो साधक या अमीन नहीं है और उसके लिए अदालत आना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन वफाकूमत और नैब को फरीक बना के ये यह दायर की थी कि ये साधक है अमीन सादक और अमीन नहीं है सिक्सटी टू वन एफ़ के तहत फरवरी दो हज़ार इक्कीस में गाबन पंद्रह फरवरी को ये समाप्त हुई थी और नॉमिनेशन पेपर की कच्ची कापी लगाई थी तो सर्टिफाइड कॉपी मांगी सर्टिफाइड कॉपी इलेक्शन कमीशन ने हो तो जान जो का काम है इतना आसान काम नहीं है अब वो सारी तफसी निकाल दी है एसेट बियॉन्ड मीन अपनी जगह के कॉन्टेक्ट में क्या जो असास्े जो निकाले हैं नैब ने या जो सीज किए हैं असासे एंटी नॉर्कोटिक फोर्स की अदालत ने वो मिसमैच कर रहे, है, रहे हैं तो बड़ा सीधा साधा यह डिसक्वालिफिकेशन का केस है अदालत उनको डिक्लेयर कर सकती है कि आप सादक और अमीन नहीं हैं फिर जमानत का मैंने आपको बताया कैप्टन सफदर का लिखा हुआ है कैप्टन सफदर की पेशावर में भी इंक्वायरी चल रही है अपनी एसड बियॉन्ड मीन के कॉन्टैक्ट में लाहौर में भी चल रही है और अट्ठाईस अप्रैल को इसकी समात है उसी डिवीज़न बेंच के सामने और इसके अंदर जो पूछा गया है वो उनकी बीवी के नाम बच्चों के नाम वालदेन के नाम जो असासी हैं वो क्या हैं वो सारी तफसलत मांगी हैं आ, पूछी गई हैं कि डिटेल सारी बताएँगे गालबन पंद्रह अप्रैल को ये समात लगी हुई थी और तफसीलत जो नायब ने हैं वो रेवनी अथॉरिटी से, से मांगी है इनकी जायदाद की और एल डी ए वग़ैरह से मांगी हैं तो ख्वाजा यहाँ वोखला वो नहीं है गालबन ख्वाजा सफदर कैप्टन सफदर के और जो ज्वाजा आसफ़ की जो डिटेलें हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ बड़ी तफसील में वी लॉक किया था उसके ऊपर पंद्रह अप्रैल को समात मुकर हुई थी एडजर्न हो गया था वो आपको याद है उसी दिन की बात है जिस दिन अस्जद जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और असद जावेद ग्रवाल साहब ने कॉन्फ्लिक्ट हो गया था व्यू आ गया था शबाज शरीफ की जमानत नहीं हुई थी ये उसी दिन मुकर थी अब ये सत्ताईस अप्रैल के लिए मुकर है और इसमें तफसील आपके सामने बता दी हैं वो गैर ये खजासों का कहना है कि उनका गैर पहले मैर मिल्कि काम भी छेड़ा गया फिर एंटी करप्शन का देखा गया फिर जब कुछ ना बना आमदन से ज़्यादा असासों की हालांकि बात बड़ी सीधी है आपके जो असासें जो कंपनियाँ बनाई हैं जो आ, आ, किसी तरह से भी क्लियर नहीं हैं चीज़ों में और आ, 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 डुबियस ट्रांजेक्शन हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी दुबई में जहाँ पर का, काम करते थे वो वाली तफसीलत हैं वो सारी चीज़ें और साथ साथ आपको याद है कश्मला तारक के हवाले से भी चीज़ें आईं फिर उनके मुलाजमों के नाम पर जो बेनामी अकाउंट खोले हैं जो राइस ट्रेडिंग की चीज़ खोली हुई है जो कंपनी खोली हुई है वो तफसीत हैं सारी और ट्रांजेक्शन जो कंपनीों में हुई हैं जो तफसीत सारी है ना मिसमैच करने के हवाले से और ये एक तरीका वतीरा बनाया हुआ है फॉरन के एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को सामने रख के कहते हैं कि हमने वो पैसा बाहर से टी टी सी आ गया है यानी वो कै पैसा जो सारा आया वो कैश से आया अगर बैंकिंग चैनल से आया तो जस्टिफाई करना होगा कहां से लिया है और जिस कंपनी या फॉर्म में काम करते हैं गालबन नायब ने उनको भी नोटिसेस दिए हैं वो भी पेश नहीं हो सके अभी तक वो भी तफसीत नहीं आ सकी हैं तो इन्होंने इनका पास बड़ा ज़बरदस्त तरीक, तरीकाकार है ये पी एम एल लैन के और ये बाकी सब लोगों के साथ या तो इनके नामी बॉन्ड निकलते हैं आपको पता है बॉन्ड ख्साब के बॉन्ड निकलते थे और वाइड पैसा कैसे करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो जो वो कहते हैं अच्छा, तो है जो सवाल है होल्डर है तो आपको बाहर कौन बैठा है, को चाचा बैठा है को मामा बैठा है, को ताया बैठा, है, को बैठा है कौन बैठा है जो पैसे आपको बाहर से ट्रांसफर कर रहा है और वो जो पैसे आपको किस वजह से दिए आपको पाकिस्तान ने इसी वजह से फ्लैटअप में भोगत रहा है कि ये जो नवाज शरीफ और ने अजहादार एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो लगाया और इसने नुकसान कितना पहुंचाया आपके लोगों के सामने है टेररिज्म का पैसा फाइनेंशियल टेररिज्म का पैसा ये सारा कुछ इसी रूट होता रहा चूंकि टैक्स वाले पूछ नहीं सकते थे और हमारे यहाँ नेशन नेशनल प्लान ने या बाकी चीजों ने कोशिश की कि इन चीजों को सेटल कर सकें लेकिन वो सेटल कर नहीं सके तो ये बड़ा एक संगीन मामला है अब आपके सामने है हफ्ता जमाना अगला हफ्ता आपके सामने आ रहा है और यहाँ मरीम नवाज़ की जो नायब ने दरखास्त दरख्वास्तरी दरखास्त वापसी की वो भी अट्ठाईस तारीख को लगी हुई है मैं पहले बता चुका हूँ इजाज़त दीजिएगा असल खुदा फेज़ पाकिस्तान जिंदाबाद